मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लंबे समय से पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे स्वर्ण पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी मोर्चा सपाक्स एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को सपाक्ष जिलाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश गौतम के नेतृत्व में सपाक्ष सदस्यों ने माधव चौक चौराहे से बाइक रैली निकाली। इसके बाद राज्यपाल के नाम SDM अतेंद्र सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। यहाँ सपाक्स का जिलाध्यक्ष हूँ और आज हम लोगों ने पदोन्नति में आरक्षण की जो प्रक्रिया विवादित है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसमें पुनर्विचार याचिका लगाई हुई है जिस पर कठोर विचाराधीन है। इसके अलावा जो एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया गया है उसको और अभी हाल ही में उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को हूबहू लागू करने की मांग को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम यहाँ ज्ञापन प्रस्तुत किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।